हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर गल्फ जॉब गाइड में। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोई जॉब्स के बारे में नहीं बताने वाला हूं, लेकिन कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू हो चुकी है उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अभी इस वक्त पूरी दुनिया में एक वायरस फैली हुई है जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। इसे COVID-19 के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है दोस्तों, और इस वक्त पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। हमारे देश में भी, इंडिया में भी धीरे धीरे करके फैलते ही जा रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि इस वजह से सारा काम, जो भी काम था, वो सब कुछ बंद हो गया है। एयरलाइंस, रेलवे, एम्बेसी, सब कुछ, ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद है अभी। और ये कब तक शुरू होगा इसका कोई श्योर डेट नहीं है अभी तक बताया जा सकता है। बस उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि काम ही कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि इस मुसीबत से ऊपर वाला हम लोगों को जल्द से जल्द बचाए। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था दोस्तों कि जो फरवरी और मार्च में इंटरव्यू हो चुकी है और जो जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ क्या क्या इंटरव्यू हुआ था फरवरी महीने में। सबसे पहले चॉकलेट स्वीट्स कंपनी कुवैत की इंटरव्यू हुई थी फरवरी में। इसके बाद अलबैक की इंटरव्यू हुई थी, वो सऊदी अरब के लिए। इसके बाद इमिरेट्स फ्लाइट कैटरिंग ग्रुप की इंटरव्यू हुई थी, ये दुबई के लिए था। और बिन दाऊद सुपरमार्केट का, जो कि सऊदी अरब के लिए था, इसकी इंटरव्यू हुई थी। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट का अप्रूवल भी आया था। और मार्च महीने में जो इंटरव्यू हुई थी वो हॉलीडे इन 5-स्टार होटल का एक इंटरव्यू हुआ था कुवैत के लिए। उसके बाद सबवे रेस्टोरेंट का इंटरव्यू हुआ था सऊदी के लिए। उसके बाद IMG वर्ल्ड का इंटरव्यू हुआ था दुबई के लिए। ये जितने भी मैंने आपको कंपनी का नाम बताया है, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और कुछ कैंडिडेट का मेडिकल भी हो चुका है, फिट रिपोर्ट भी आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जितने भी इंटरव्यू हुई है और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है इस कंपनी के लिए, तो वो थोड़ा सब्र रखें। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, इंडिया का एम्बेसी शुरू होता है और गल्फ का एम्बेसी शुरू होता है, तो सबका वीजा आएगा, सबका फ्लाइट होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सामने। पहले उसे शॉर्ट आउट करना जरूरी है, उसके बाद ही ये काम हो पाएगा। तो आप लोग फिक्र ना करें, सबका काम होगा इंशाल्लाह। बस अभी आप लोग अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बाहर बिल्कुल भी ना घूमें, घर में ही टाइम दें। और एक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को, थाईलैंड के लिए हमारे पास कुछ काम आई हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते वो काम डिले हो गया है। तो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम जैसे ही थोड़ा कम होता है, तो वो थाईलैंड के काम के बारे में मैं आपको वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं चल रहा, इसके वजह से मैं अभी आप लोगों को उसका अपडेट नहीं दे सकता हूं। तो कुछ दिन इंतजार कर ले आप लोग, मैं थाईलैंड का बहुत ही अच्छा जॉब आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखें दोस्तों। मैं दुआ करता हूं सबके लिए कि सबको मालिक सेहतमंद रखे। तो बस यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।